देश की शान तिरंगा। तो गाइस मिलिट्री टैंक क्या गजब है यार। पब्लिक पार्क ये देखो बैठो नहीं कूड़ेदान है, कूड़ेदान के लिए यार। ले आटा बिस्कुट मिल गए अम्मी को। इतनी दूर पर ट्रेनिंग एरिया देख रहा है, मन के रेडी हो गया केक। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब, आई होप कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे गाइस। तो आज मैं जा रहा हूँ अपनी नानी घर, मम्मी को मेडिसिन दिलानी थी, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। तो हम लोग जा रहे हैं नानी घर फरुखाबाद, और हम जाएंगे आज जो जो होने वाला है पूरे ब्लॉग में आप जुड़े रहना, दिखाते रहेंगे, खूब मज़ा आने वाला है। हम लोग जाएंगे आज मिलिट्री टैंक देखने, मतलब वहाँ बहुत बड़े मिलिट्री का बेस है जहाँ पे आर्मी ट्रेनिंग होती है, वहाँ जाएंगे। जितना कुछ होगा आपको सब दिखाएंगे, खूब चीज़ें देखेंगे, फुल एंजॉय करेंगे। तो जुड़े रहना ब्लॉग में, ठीक है। सो हेलो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं घर से और यहाँ पे लगा है बफेलो का बाज़ार, मतलब भैंस यहाँ पे बिकती है। हम लोग पहुँच चुके हैं भोंगाव, यहाँ भोंगाव पे सेल होती है भैंसों की, जो बफेलोस होती हैं वो लोग यहाँ खरीदते हैं। बहुत ही बड़ी मंडी लगती है यहाँ पे भैंस बेचने की, देखो कितनी सारी भैंस है यहाँ पे। तो हम लोग चलते हैं और आगे। बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है। तो फाइनली गाइस मैं तो पहुंच चुका हूँ अपने मामू की शॉप पे, मतलब फरुखाबाद आया था मैं मैनपुरी से। मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, उनका अपॉइंटमेंट था डॉक्टर से, तो उनको दिखाने आया था। तो मैंने सोचा मैं भी घूमे आऊँ आज अपनी नानी का, क्योंकि मेरी नानी फरुखाबाद ही है। अभी देखो मेरे मामू का छोटा लड़का, बड़े वाले मामू का है, और देखो मेरे छोटे वाले मामू का है स्मार्ट ही हसन नाम है, इसका नाम भी है, मेरा नाम भी हसन है और इसका नाम भी हसन है। तो मेरे मामू की शॉप है ये, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह केक वगैरह सब मिलते हैं। और आज ब्लॉग में आप लोग फुल जुड़े रहना, आज मैं आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ दिखाने वाला हूँ उस ब्लॉग में। मैं तो पोंगी आर्मी वाली और सबको दिखाऊँगा, नानी घर का मतलब व्यू वगैरह, ऊपर से फरुखाबाद का पूरा व्यू दिखाने वाला हूँ फतेहगढ़ का, खूब मज़ा आने वाला है। तो पूरे ब्लॉग में जुड़े रहना और चैनल को सब लोग सब्सक्राइब, ठीक है, जाना कहीं नहीं। तो ले गाइस, हसन ने मंगा लिए मेरे लिए छोले भटूरे, बेहतरीन। मुन्ना खाओगे तुम खाओगे, क्या खाओगे, छोले भटूरे खाओगे? तो गर्मा गर्म छोले भटूरे बेहतरीन, हसन ने जबरदस्ती मंगा लिया। अभी तो घर भी नहीं गए, घर पे जाएं तब वहाँ मिलेगा खाना, उन्होंने बाजार से मंगा लिया, बेहतरीन। कितने के मिले? 20 रुपये के दो। अरे हाय मज़ा आया यार, मैनपुरी महंगे हैं यार, देखो 20 रुपये में दो भटूरे गर्मा गर्म एकदम खाएँ, वहीं बैठे कोल्ड ड्रिंक के साथ। चलो खा लें यार, मुँह में पानी आ रहे देख के। चल रहे हो गाइस, देखो हसन जा रहे हैं साइकिल से दौड़ते हुए आगे आगे, ये हैं छोटे हसन। ये लो इधर मुड़ा, वेलकम टू फतेहगढ़ कैंटीन। चलो इसमें हम बैठे हैं, चाइनीज लड़का है ये, से वही चला रहे कार। मम्मी दवा ले आई, मिल गई दवा, दिखा दी। चलो बढ़िया, चलो मुड़ जा, पुरानी यादें ताजा। ले आ गए नानी घर, बोरी दूसरे मामू की दुकान। चलो भैया तो बकरा पहली दिख गया, मैं दो दो मैं बैठी है। आ मान बार आई जा, ये चुपा चुप ले ली, उसके बाद कई अमेज़न का ब्रूड दो डिब्बी ली, उसके बाद लेकर छतरी दो में छतरी खाएंगे, थोड़ा खा लेते। ए सी चल रही, क्या है जी? इनाम वाला है, क्या करते इससे? खाते नहीं है क्या? कितने रुपए का आता? मूतते हैं, खाते हैं इसे। कितने का आता जी? 5 का 5 है। तो यहाँ चब्बा तुम आएगा पढ़ के, क्या पढ़ने गए थे आज? ए फॉर एप्पल पढ़ने गए थे। बी फॉर बॉल नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी। तो वो कौन बताया फिर? बी फॉर बॉल जब बच्चे कर रहे यहाँ रख के खा रहे हैं, यहाँ रख के खा रहे हैं, बता समझा? कह रहे दावत है, दावत है। देखो गाइस, देखो छोटा सा बच्चा बकरी का, बकरा ईद वाले दिन हुआ, कितना छोटा है यार। ओए अरे कहाँ भाग रही, इधर आ मेरे पास आ। इसका चेहरा दिखाओ, इसका चेहरा दिखाओ पहले,
चीजें बीता है तगड़ा हो गया यार। लेकिन यार इतने दो तीन दिन में इधर आ मेरे पास आ। ओए होए बड़ा छोटा सा यार, कितना प्यारा सा लग रहा है यार, बिल्ली का बच्चा लग रहा है। बात तो सुन, मेरी जानू, मेरी कट्टो गलहरी, मेरी कल्लो 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 मेरी कल्लो, हाथ मिला, हाथ मिला, हाथ मिला हमसे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कहाँ जाएगा देखें, छोड़ो अंदर जाए, वो कुछ नहीं ताकत देंगे, बढ़ता जाएगा। हसन को भेजा लिया, उसकी उसकी बिरादरी का है, कह रहा मैं भी काला वो भी काला। गाइस हम तो आ गए बाहर, खाना पीना खा लिया नानी घर पे, और अब चल देखो ब्लॉग में देखा होगा दोनों बच्चों को। हमें मेरा चैनल है, क्या चैनल है तुम्हारा? स्मार्टी हसन। ले ओ स्मार्टी हसन, मेरा नाम चुरा के एक यूट्यूबर हो। तो धूप बहुत हो रही गाइस, हम लोग चले हैं, आपको बेहतरीन बेहतरीन चीजें दिखाएंगे यहाँ की। पीछे तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन नेचर है, ये पार्क है, शाम को 5 बजे खुलेगा, अभी नहीं दिखाएंगे, 5 बजे जाएंगे फिर पानी दिखाएंगे जो धूप में। चलो अंदर आपको दिखाते हैं हम तोप वगैरह, ये जो मिलिट्री एरिया है उसके अंदर चल। देखो गाइस हम लोग आ गए मिलिट्री एरिया में, और यहाँ ये देखो यहाँ सब फौजी भाई लोग रहते हैं अपने, ये उनकी कॉलोनीज बनी हुई है, देख रहे हो एकदम एक नंबर। देखो और यहाँ जो पीछे बैक साइड है यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, अभी हम लोग मिलिट्री एरिया में चल रहे हैं, और देखो कितना साफ सुथरा एरिया है, एकदम ठंडकदार, ग्रीन ग्रीन प्लांटिंग लगी है, हर किसी को अलाउ नहीं करते। मुझे डर लग रहा है बंदर। देखो मंकी ऊपर पेड़ में, हम लोग चलते हैं अंदर। तो गाइस मैं तो पूरे मिलिट्री ट्रेन के अंदर आ गया हूँ, और आपको टैंक दिखाऊँ, वो देखो पीछे रहा टैंक अपने मिलिट्री का, देख रहा है कितना बड़ा है यार। चलो इसको पास से दिखाते हैं हम आपको चल के, यहाँ का एरिया बहुत लग्जरी है यार, एक नंबर। तो गाइस मिलिट्री टैंक क्या गजब है यार, एक नंबर लग रहा। गाइस यहाँ का सीन देखो कुछ ऐसा है, और यहाँ देखो यहाँ अंदर वो तोप लगी है, दिख रही है आपको वो तोप लगी है ना, क्या मस्त लग रही, एक तोप वो लगी हुई है। यहाँ का एरिया देखो कितना अच्छा लग रहा है, वो गुरुद्वारा है गाइस, वाहेगुरु गुरुद्वारा। ये स्कूल है सेंट एंथोनी स्कूल, बहुत ही ज़्यादा लग्जरी है। इसके अंदर गाइस इस कैंट एरिया के अंदर वो देखो गुरुद्वारा सामने, इस कैंट एरिया के अंदर देश की शान तिरंगा कितना बड़ा है, यहाँ पे होती होगी पीटी लोगों की, वो देखो वो घोड़ा, वो किसी की स्मृति बनी हुई है यहाँ पे, मस्त बहुत बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे वीडियो बनाना मना, इसलिए रुक रुक के बना रहे गाइस। गाइस ये रही तोप, क्या कदर है यार, एक नंबर, यहाँ तो फोटो बनाना बनता है। देखो एरिया पूरा विजिट करो, एक नंबर लग रहा गाइस, यहाँ पे वीडियो बनाना मना है। गाइस हम लोग बैठे हुए हैं तीनों लोग मिलिट्री एरिया में, और यहाँ पे वीडियो बनाना मना है, लेकिन हम फिर भी बना रहे हैं, थोड़ी थोड़ी की क्लिप ले रहे हैं। इतना बड़ा है आपको बता नहीं सकता, फतेहगढ़ है, कार वगैरह या फिर बाइक से घूमे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पैदल घूमने थोड़ा हालत खराब हो जाएगी। देखो पीछे ही मेरा टैंक खड़ा हुआ है, पीछे ही मेरा टैंक खड़ा, बहुत लग्जरी वीडियो शूट होगी। हम तो कह रहे थे कोई आ जाए मेरे साथ, कैमरा लेके आना चाहिए था गाइस, यहाँ तो हम आपको और शॉट दिखा देते एक दो, लेकिन आप वीडियो को लाइक मार देना, ठीक है, जुड़े रहो, और भी बहुत चीज़ आपको दिखाते रहेंगे, अभी बहुत घूम। गाइस मैं तो इस मिलिट्री एरिया से बाहर आ गया, आपने अंदर देखा मिलिट्री एरिया था, यहाँ पे वीडियो बनाना मना है गाइस, फिर भी हमने बनाई, जो थोड़ी मोड़ी क्लिप ली डर डर के बनाई, लेकिन अंदर सच में जन्नत है यार, शूटिंग करने के लिए एरिया एक नंबर है। हमने तो कुछ नहीं कहा, मेरे पसीने छूट गए, सिर्फ तोप तक गए और वापस लौट गए, इतना लग्जरी एरिया, कार से जाओ बाइक से जाओ एक नंबर। तो जुड़े रहो बस ब्लॉग में, हेलमेट लगा के जाना मोटरसाइकिल। गाइस ये देखो ये फतेहगढ़ का पार्क है, हम लोग इस पार्क के अंदर चलते हैं, बचपन में बहुत यहाँ आता था जब मैं छोटा था, बस खाना पीना खाया नहीं, हम सब लोग यहीं गिरते थे आके, वाले गेट से जाते हैं अंदर, बहुत बच्चे पहले बहुत बच्चे होते थे यार, बहुत मौज करते थे यार यहाँ आके। चलो इसके अंदर चलें पब्लिक पार्क, ये देखो ये हसन बेटा फ्री में जाते हैं, हसन वारसी ब्लॉग जहाँ रख दिया पैर वहीं से लाइन स्टार्ट होती है। ये देखो गाइस ये पार्क का नेचर देखो, पुरानी पुरानी याद है, यहाँ जब झूला झूलते थे, पहले ये वाले झूले यहाँ नहीं लगे थे, उधर लगे थे, ये झूले उधर लगे हुए थे, इधर लग गए जो, तो देखो क्या चीख रहे यार देखो, अरे बहुत छोटा लग रहा है यार, बचपन में तो बचपन हम भी छोटे थे, अरे बड़ा समझते थे इसे, इतना ज्यादा चेंज कर दिए, उधर वो बन गया। ये देखो भाई पेड़ पौधे देखो एक नंबर, इतने बहुत सारे बच्चे पार्क में, कहाँ है पानी कितना गंदा हो रहा है इसका, हाँ। चलता नहीं है, खाली बड़ा है इसे बच्चों को घूमने के लिए पार्क में,
कचड़ा भरा है बेकार है। तो यहाँ पे बच्चों के लिए बैठने के लिए सीटें और लगी हैं। ये फतेहगढ़ पब्लिक पार्क है ये, और बारिश हो तो इसके नीचे खड़े हो जाओ जाके। इसके नीचे बहुत खड़े हुए हैं, इसमें बहुत झूले हैं, बहुत छोटे छोटे थे तो हमें से बहुत बड़ा हंसते थे। ये देखो पगला आ गया जी गाइस, ये बैठने की आराम से बैठो यहाँ जब बारिश आ रही सोए। ये देखो ये नए झूले लगे हैं, पहले नहीं लगे थे जी। भाई देखो ये भी लग गए यहाँ पे। भाई जो भी मेरे फैमिली वाले ब्लॉग देख रहे हैं सब समझ जाएंगे ये पहले आते थे कैसे क्या करते थे क्या नहीं। ये सब मैनपुरी में लगे हैं अफजल, ये सब मैनपुरी में लगे यार जी, बड़े आदमी हैं। ये वही है जो मैनपुरी में लगे थे। ये भी हाँ ये भी लगी यहाँ मैनपुरी, तोड़ दी गई जी है। ये देखो सिरकटनी, यहाँ से हम लोग झूलते थे, इनसे भी छोटे छोटे होंगे हम लोग आते थे यहाँ झूलते, धाड़ धाड़ यहाँ गिरते थे धाड़ धाड़। दो ही थे और जी आज भी दो ही हैं, और ये वही सीट अभी तक बदली नहीं है। ये कभी ऐसी आवाज़ आती थी धाड़ धाड़ चढ़ते थे हम लोग, पेड़ वेड़ सब वही। बस पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं यहाँ पे आके। पहले हम लोग खड़े होके देखते थे पहले यहाँ पे वो पत्थर के वो बने हुए थे, तोड़ दिए गए, वो तोड़ दिए। देखो ये जो पीछे झूला देख रहा है गोल गोल घूमते थे घास, देखो नीचे भाई तो पेड़ डूब जा रहे थे। ना यार स्मार्ट यूजर का चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। देखो वो देखो अभी हम लोग आए थे वो एरिया है मिलिट्री का, मतलब वहाँ पे वो होती है ट्रेनिंग वगैरह दिखाएं। तो ये गाइस ये है मिलिट्री एरिया, यहाँ पे ट्रेनिंग होती है आर्मी लोगों की, जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, सुबह शाम ट्रेनिंग चलती है यहाँ पे। बचपन में हम लोग इतने इस पर आ भी नहीं पाते थे, दीवार से नीचे ऊँचक उचक के देखते थे लटक लटक के, और आज तो पूरे आ गए यहाँ पे। यहाँ पहले हेलीकॉप्टर उतरते थे खड़े होते थे, सुबह होते हैं यहाँ पे हेलीकॉप्टर मिलेंगे आपको। देखो नेट वगैरह लगी, बहुत बड़ा है गाइस यहाँ पे, जब बन गया पहले ये बना हुआ नहीं था रोड रोड, ये सब इसकी बाउंड्री दे दी गई गाइस। इस पर बहुत झूला झूला है हम लोगों ने, बहुत चोटें भी खाई हम लोगों ने, यादें ताज़ा हो रही हैं बचपन की। ये देखो अफजल कहाँ चल रही लगी 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 हुई है। ये देखो है एरिया लग्जरी जामुन की ले जी, क्या है जी स्मार्ट यूजर का जी, तुम हो जी तुम हो, अच्छा छब्बा लिए लल्ला ये बात। अरे यार जामुन यार बोल रहा है हमें तोड़ना, हमें पेड़ पे चढ़ा, चढ़ जा, चढ़ाया कौन हम नहीं चढ़ा रहे जी। यहाँ कैसे आ गए जो तुम्हारा रखा था? अरे यार टूट गया यार, एक बचपन से झूलते हुए आ रहे। इस पे बचपन में बहुत झूले, लो आज हम पैर रख दें, कहाँ हमने बचपन में पैर रखा था आज बचपन पे रख रहे हैं साला। ये लो वो भी टूट गया उधर वाला भी, पर इससे नीचे रहते थे भाई साहब और आज इससे कितने ऊपर आ रहे हैं बहुत गए अंदर। अच्छा अच्छा इसके अंदर बैठ जा, गिरोगे नहीं, बैठो नहीं, कूड़ेदान है, कूड़ेदान के लिए तैयार है। ये कूड़ेदान नक्के जाते थे जी जी जी, कूड़ा आ जाए कूड़ा, और हम झूला समझ रहे थे देर से, हट हट कूड़ादान 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 है ये कूड़ा ही है पक्का कूड़ा। देखो हेडपम्प पुराने जमाने वाले गाइस, आवाज़ कहाँ से आ रही है पानी की, अच्छा वो पानी तो चल लिया। ऐसे हम लोग चढ़ते थे पहले पत्थरों पे और फिर देखते थे, देखो आ गए अरे दैया रे टॉयलेट कर रहे यार। ये देखो पूरे सामने ट्रेनिंग हो रही है, इतनी दूर पर ट्रेनिंग एरिया देख रहा है, इतनी दूर इतना बड़ा ओए बहुत तुम्हारा पानी में लीकेज हो रही है, क्या कर रहे हैं जी यहां धो रहे हैं टॉयलेट के गले गली थी कूड़ेदान में बैठे लात डूब जा कोई जगह डूब जा हसन तेरे डबो दे इसमें। अरे यार हम उन जा यहां लड़के आ गए झूले बच्चों वाला झूले मैं झूलूंगा, चलो भैया आज पूरी करूंगा आज। ओए छोटा सा धक्का दे धक्का दे पहले हसन बार झूला सबको जला हसन बार से 940 हाँ बचपन में लगा था ये चलो पार्क तो घूम लिया अब बाहर चलते हैं घर, क्यों गर्मी बहुत लग रही है, दो घंटे हो गए एसी बैठेंगे चले गए, एक डेढ़ घंटा हो गया बाहर घूमते घूमते, चलो घर की तरफ चलते हैं। भाई बैठा ले भाई बैठ गया फ्री में
फ्री में ही बैठ गए, क्या चोर हो। हाँ देखो बच्चे मैदान में खेल रहे मैच। अरे यार बचपन में हम छोटे थे, हम भी ऐसे खेला करते थे मैच वगैरह। कितने खेलते थे, उसके पीछे कब्रिस्तान है चर्च वालों का। पक्के फ्री में ही हो, हर चीज फ्री में ही चाहते हो, हर चीज तुम फ्री में ही चाहते हो, हर चीज फ्री में मिला तो तुम्हारे चक्कर में ब्लैक काली बिल्ली है रास्ता ना काट दे। तो क्या तुम्हें काट डालेगी फिर जी, इतने ही काट डाले। कुत्ता देख मेरा, तेरा कुत्ता। अरे तभी हम कह जी तेरी शकल से कैसे मैच हो रहा है, तेरी शकल से मैच हो रहा है। ले अंकल जी भी यही कह रहा है, या है जाड़ो। काली बिल्ली भी इससे मैच हो रही, कुत्ता भी इससे मैच हो रहा है, और अपना बकरा भी इससे मैच हो रहा है। आओ, अरे तुमसे बहुत दिन हो गए मिले हुए, इधर आ। तुमने हमें पहचान लिया बाबू? ये कौन है बाबू, तुमने हमें पहचाना? ये चांटे चांटे खा रहे, रोचक मामू की दुकान है जी, इलेक्ट्रॉनिक्स की, बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। ठीक है, ठीक। क्या ले जा रहे हैं? पापा के लिए। हाँ पापा के लिए थर्माकोल ले जा रहे हैं जी। वीडियो में आने के लिए बार बार आगे भाग जाता है, ब्लॉग में आने के लिए। पहले ये रिक्शे बहुत चलते थे, अब तो ये बहुत बंद हो गए, अब तो ट्री चलने लगी बैटरी वाले। पहले इसमें लद के जाते थे हम घर, कल्लो हसन एक और मिल गया तुम्हारा दोस्त, कल्लो है ये, कल्लो कल्लो। यहाँ देखो, यहाँ ऑटो देखो कैसे चलते हैं, अपनी मैनपुरी में अलग चलते हैं, यहाँ पे अलग चलते हैं, बंद वाले खटखट 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 करते हैं। मेरा ट्रक खड़ा है, मेरा माल आया हुआ है पापा का। और क्या, कोल्ड ड्रिंक आई इसमें? अच्छा अच्छा समझ गया, पूरे ट्रक भर के। अरे बड़े आदमी है, गर्मी जा रही तब आ रही कोल्ड ड्रिंक। अरे यार बड़े आदमी है, पानी तो स्टॉक करके रखे हैं सर्दियों का, सर्दियों में हम लोगों को कोल्ड ड्रिंक। इंशाल्लाह मेरी जी है, इसके अंदर रहते हैं आर्मी की फैमिली, जो आर्मी लोग कैंट होते हैं ना वहाँ पे इनकी फैमिली रहती है। वो देखो पुलिस चौकी है उधर, आज मेरे मामू केक बनाते हैं। और ये है मतलब इसको पता नहीं किस चीज़ से बनाया जाता है, ब्रेड को मतलब मामू ही बनाते हैं ये ब्रेड भी, मैदा ज़्यादा से इसके अंदर क्रीम भर चुकी है ये देखो, और ये देखो इसमें क्रीम लग रही है, ये चॉकलेट केक बनने आए। अभी दिखाते हैं देखो इसमें कितना सारा आइटम डलता है, ये सब डेकोरेशन का सामान पड़ा है यहाँ पे। तो वो वाइट क्रीम भी है, वो भी है। अभी देखो केक बनते हुए दिखा रहे हैं हम तुम्हें, बन के रेडी हो गया ये केक, तब प्यारा लग रहा है। देख लो चॉकलेट केक एक नंबर लग रहे हैं। अभी डेकोरेशन का सामान डलेगा तब और मस्त हो जाएगा जी। पुतलू चले जाए हम घर, चलो फिर मिलेंगे तुमसे। हाँ मुन्ना घर चल रहे मैनपुरी, केक लग चले बर्थडे मनाएंगे। हाँ देख वीडियो बन रही है, वो सदमे में चले गया। चलो भैया बंद करो गाड़ी, मामू दुकान अपने। बकरियाँ बाय 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 बाय, मैंने बाय बाय। सीधा उतारो ना भैया, चले चले आना मैनपुरी। अरे कुछ नहीं भैया, ले आटा बिस्कुट मिल गए अम्मी को। चलो आना मामू है फिर। सलाम अलैकुम।